अच्छी खासी धुंध दोस्तों। ये रिपेयर करनी है अपने को, अभी फटाफट करते हैं, कोई घंटे में 7:30 हो गए। दोस्तों फाइनली 2 घंटे लग गए हैं, 9:45 बज गए और धुंध, मौसम बारिश का है खतरनाक वाला, और यहाँ पर काम इतना कंप्लीट हुआ अपना, ये वाला 2 घंटे लग गए इसको करने में, मसाला तैयार करना, ईंटें भिगोना, सेट करना और सीमेंट को छानना, क्योंकि 5-6 महीने पुरानी सीमेंट है अपने पास, ठीक है। अभी रेती का छाना है थोड़ा सा और इसके अंदर रोड़ी डाली है मैंने, रोड़ी वाला डाला अगली बार ताकि उखाड़ न सके, और बाहर लिपाई मारेंगे अभी तो पहले खाना खा के आएंगे फिर करेंगे अगला कार्यक्रम। एक फट्टा यहाँ लगाना था अपने को, यहाँ से देखो कुकड़ी हुई है, ये भी सारी हिली हुई है, ये सारा काम बट गया, दूर तक कर देता ठीक रहता, लेकिन मैं करूँगा नहीं, अभी एक फट्टा और लगाएंगे देखेंगे, फिर उस हिसाब से रोटी लेके आनी पड़ेंगी फिर अपने को, देखते हैं जैसे भी होगा, पहले खाना खा कहते हैं फिर देखते हैं क्या करना है इसका। आलू गाजर की सब्जी, दूध रोटी, ले भाई खेत में आया हूँ, मान फोन कर दिया, बाइक लेके आया हूँ और वो वहाँ लगी वहाँ पर, पूरा देखियो पूरा गाँव आया हुआ है गाजर पाटने के लिए, तो अभी गाजर लेने आया हूँ स्पेशली, लिपाई कर रहा था, मौसम बारिश का हो गया, ये देख लो कितने किले गजर ही गजर पूरे, ये देख लो मोड़ो लो, 4 रोटी हैं, 1 बग्गी भी ले गया हूँ और 3 बाइक पे आई हैं, अब करेंगे ले पाई, बारिश का मौसम होगा तकड़ा वाला, ऊपर गद्दे भाई शांत भाई, लो हटा दी हीटे मैंने, यहाँ से गर्म तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, चलो कवर हो जाएगा, मसाला तैयार कर दिया था, अब लगाना लगाना है मिक्स करके, अभी लगाते हैं इसको 5-4 मिनट में, लिपाई है हल्की हल्की कड़ी मार। दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो गया है और बारिश भी आ गई साथ साथ हल्की फुल्की, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और 1 बज गया, अंदर से कुछ ऐसा ही हुआ है, बस कंप्लीट, वो वहाँ से छेद भर दिया, काफ़ी सालों से था ये, एक फट्टा लगाऊंगा यहाँ पर पूरा, ओके तो देखते हैं क्या रहता, अभी इसमें रोटी का मसाला भरा है यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि अच्छे से मजबूती मिल जाए इसको, तो चलिए राहुल और संजय आ चुके हैं अंदर बैठे हैं, अब करते हैं पैक का, फिर इसको ढक देते अच्छे से, नहीं तो बारिश आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एक बार ढक दिया मैंने इसको, लो बारिश में भीग गए पूरे, सारे गिल्ले हो रखे हैं, जूते वगैरह, चाय बना दी है गर्मा गर्म, और अभी काम करके आए हैं अपन, बारिश में गए थे बिल्कुल, पानी की टूटी जो थी लीकेज थी तो उनको ठीक करके आए अपन, नए मशीन डाल के आए हैं स्पिंडल, पूरा काम हो गया है, 50 को तेल गलवाऊंगा जाते हैं नहीं गलवा ले, दोनों को 50 मांगो बेटा, आदमी कल मुन्ने के पकड़ना है असली मान था भाई, बारिश रुकी है 1 घंटा था, ठीक है हाँ, टिंडा टिंडा टिंडा, 6:30 बजे फ्री हो गए थे दोस्तों, काम कुम करके, और माँ ने इतने दिनों से मेरे को, मतलब मेरी वो है खोर फाइनली हो गई है रेडी, बस यही वो थी मेरे को ज्यादा परेशानी कि किस टाइम निकालू, कब टाइम निकालू, तो आज निकल गया और कुछ बारिश आ गई तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया काम, आज जहाटी जाना था वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रिपेयर करके आए, थोड़ा सा कंप्लेंट थी तो कवर हो गई हमारी, तो आज का काम अच्छे से निपट गया है और कंप्लेंट भी क्लियर है सारी, ओके तो एक कंप्लेंट हो रहा है, वो कल परसों में जैसा भी होगा टाइम निकले कर देंगे, ओके मैं क्या करता हूँ क्या देखता हूँ, जो जैसा भी होगा, अगर ज़्यादा काम होगा तो 3 हो जाएंगे, नहीं तो 2 या फिर 1 जैसा भी होगा, ओके तो दोस्तों फाइनली बस खोर रिपेयर हो गई मेरे को, ये टेंशन ज़्यादा, और फाइनली करते हैं लोगों का एंड और मिलते हैं जल्दी ही सुबह, प्लानिंग रहेगी सुबह जल्दी जाने की, क्योंकि 2 दिन का काम है, तो
सुबह जाएंगे जल्दी तभी तो निपटेगा ना 2 दिन में, नहीं तो 3 दिन लग जाएंगे बेवजह। तो इस लोग ऐड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में झाड़ली के लिए, तो बाय। और हाँ एक बात तो भूल गया मैं, ये महीने का लास्ट दिन है तो आपके साथ शेयर करनी थी अर्निंग। तो इस महीने की हमने अर्निंग हुई है जनवरी की 20,200 रुपीज। ओके पिछले महीने से 4,000 कम है क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी तो सारे काम रुके हुए थे। तो ये भी बहुत ही सही बात है कि पिछले महीने के कंपेरिजन में अपन ने अच्छा वो किया है स्कोर। और दूसरी बात ये कि 6 दिन की छुट्टी लग गई अपने, उसके बावजूद है ये 20,000 रुपीज। ठीक है, और उस दौरान मैंने साबुन रखने का कुछ बनाया। ओके तो कंटेंट भी काफ़ी सारा साथ साथ चलता रहता है डेली। ओके तो ये है मामला, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इस महीने का और काफ़ी अच्छा लगा। अब नेक्स्ट महीने में काफ़ी सारी बहुत सारी कुछ मतलब ढेर सारी बातें हमने अपने को सीखनी है और अभी सीख रहे हैं और इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने वाले हैं अपन। तो आप सपोर्ट कीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगले मंथ में कुछ नई चीज़ों के साथ। एंड अगेन बाय।